के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूर्णिया की समाज सेवी निरंजन कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता कर पूर्णिया के सदर विधायक द्वारा महादलितों की पिटाई मामले पर हुए मुकदमा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि भाजपा के लोग कह रहे हैं विधायक जी को गलत फंसाया गया है, इस सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो कवि कुलदीप सेंगर एवं चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी को भी पाक साफ बता रहे थे। असल में इन बातों से समाज को कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन पूर्णिया विधायक ने कहा कि महादलित टोला में कोई मारपीट नहीं हुआ है, सभी हमारे अपने लोग हैं, और दूसरे दिन वे स्वयं कहते हैं कि राजद के लोगों ने हंगामा किया। साथ ही सभी न्यूज के वीडियो में कई महिलाओं ने विधायक और उनके अंगरक्षक पर मारपीट करने का कैमरे के सामने आरोप लगाया है। यहाँ विधायक जी के बयानों में भी अंतर विरोध है। इन सभी बातों से मामले की सच्चाई उजागर होती है। निरंजन कुशवाहा ने आगे कहा कि बतौर अनिल राम को धमकाया जा रहा है, इसलिए उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए, एवं उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि नियमानुसार अनिल राम को मुकदमा लड़ने के लिए SC/ST नियम के तहत कम से कम 2 लाख रुपये का अविलंब भुगतान किया जाए। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके राज्य में सत्ताधारी दल के विधायक पर भी मुकदमा हुआ, हालांकि 2 दिन लगा मुकदमा हो गया, हम बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बात है राजनीतिक करने वालों का, वो तो राजनीतिक करते रहेंगे। विधायक जी पर जो वही लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी अच्छे हैं या विधायक जी के बारे में सपोर्ट में जो कमेंट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सेंगर जी जो बलात्कारी था और मर्डर था उसके बारे में भी यही लोग सपोर्ट में बोलता था। ये वही लोग हैं जो चिन्मयानंद बलात्कारी चिन्मयानंद के सपोर्ट में बोलता था। तो इन लोगों को और इन बातों से अब समाज को कोई लेना देना नहीं है, और इसे जो है समाज अब नहीं इधर देखना चाहता। सत्ता पक्ष देखिए, जो वीडियो जारी हुआ पहले दिन, उसमें कई महिलाएं यही बात कैमरा पे बोल रही थी कि विधायक जी और उनके अंगरक्षक द्वारा अनिल राम को पिटाई किया गया, तो ये कोई कम नहीं है। तो एक ये बात है। दूसरी बात जो विधायक जी का रहा कि पहले दिन उनका वक्तव्य आया कि सभी हमारे अपने लोग हैं, कुछ नहीं हुआ, इस तरह का उनका वक्तव्य आया, और दूसरे दिन मामला बढ़ने पर उनका वक्तव्य बदल जाता है कि वो कहते हैं कि राजद के लोग ने हंगामा किया। तो विधायक जी के बात में ही कंट्राडिक्शन है। वो किस बातों को छुपाने के लिए पहले दिन बोल दिए कि कोई कुछ मामला नहीं हुआ, तो इसी से साबित होता है कि मामला हुआ है और विधायक जी मारपीट किए हैं। ये विधायक जी का ही बातों से ऐसा समझ में आता। और पूर्वत भी जैसे पूर्णिया के सांसद के द्वारा जो वीडियो अभी चल रहा है, कई न्यूज़ चैनल में चला था, पूर्णिया के जनता पूरा देश का जनता देखा था कि किस तरह इनका व्यवहार रहा। इनका बहुत सारा कहानी है, हम उन सब बातों पे नहीं जाते हैं कि किस तरह ये लोगों को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन बातों पे हमको नहीं जाना, हमको राजनीतिक नहीं करना। लेकिन महादलित के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय होना चाहिए। अनिल राम ने कहा है अपील लोगों के माध्यम से हमको पता चला कि उनको धमकाया जा रहा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और दूसरी बात, जो महादलित के लिए मुकदमा लड़ने के लिए जो सरकारी प्रावधान है कम से कम 2 लाख रुपये का, वो अविलंब जो है अनिल राम को भुगतान किया जाए ताकि वो मुकदमा अच्छी तरह लड़ सके। बस यही बात है।